हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम प्लाज़ो पैंट का एक डिज़ाइन बनाएंगे, जिसके लिए कि मैंने ये प्लाज़ो को ऊपर से स्टिच कर लिया है और मैंने जो हम भी पिंटक्स डालने हैं तो मैंने एक एक इंच का इस पे निशान लगा लिया है पूरा। तो निशान मैंने लगा लिया है, इसलिए लगाया है क्योंकि पिंटक्स जो है हमारे बिल्कुल बराबर से आएँ। तो मैंने तीन निशान लगाए हैं लेकिन मैं चार पिंटक्स डालूँगी, तो अब मैं इनमें पिंटक्स डाल लेती हूँ। तो लेंथ हमने प्लाज़ो की जो थी पूरी, जितनी हमें चाहिए पूरी हमने कट की है। इसमें कोई भी हमने प्लाज़ो को कम कट नहीं किया है, पूरा ही जितनी हमें चाहिए दबा, जितना मैं मुझे चाहिए था मैंने छोड़ के इसकी पूरी लेंथ रखी है। मार्जिन के लिए मैंने 2 इंच नीचे फोल्ड के लिए रखा है और 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए जो था वो मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। तो अब हम पिंटक्स इसमें डालते जाएँगे। तो बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है ये और बहुत अच्छा लगता है। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। तो ये सारे पिंटक्स मैं इसमें पहले डाल लेती हूँ। फ्रेंड्स मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि पोटली बैग का था, ब्लैक कलर का मैंने एक पोटली बैग बनाया था। काफ़ी पहले मैंने वो वीडियो डाला था, वो सभी को काफ़ी पसंद आया था, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी कि वो वीडियो थोड़ा फास्ट था, इसलिए मुझे व्यूवर्स ने कहा था कि वो वीडियो फास्ट है। तो उनके लिए मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है। कल वाले वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है सभी कि कैसे हमने उसमें उसको बनाया था, तो वो वीडियो आप ज़रूर जाके चेक कर लेना। अब मैं एक पिंटक्स मैंने डाल ली हैं, चौरस पीस कपड़े का मैं लूँगी और उरे पट्टी कट कर लूँगी। अब हम डोरी बनाएंगे, तो इसके लिए मैं उरे पट्टी एक कट कर लूँगी और डोरी बनाएंगे हम। बिल्कुल आसानी से डोरी हमारी ये बन के तैयार हो जाएगी। तो डोरी के लिए मैं पहले कपड़ा कट कर लेती हूँ। तो ये मैंने पट्टी उरे पट्टी कट कर ली है। अब इसको फोल्ड करके हम इसको सिलाई लगा लेंगे। ये देखो नीचे से हमने इसको बंद कर देना है, यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे और ऊपर को बराबर से हमने सिलाई इसमें लगाते जाना है। तो डोरी बहुत ही आसानी से बन जाती है। हमें कोई तीखी सी चीज़ चाहिए होती है इसे सीधा करने के लिए, तो मेरे पास एक बिल्कुल पतली सी जैसे सिलाई होती है ना, बहुत ही ज़्यादा पतली सी सिलाई है मेरे पास, उसी के साथ ही मैं इसको उल्टाती हूँ, सीधा करती हूँ। तो ये पट्टी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे मैं बराबर से इसमें सिलाई लगाऊंगी ताकि जो हमारी डोरी है ना बिल्कुल बराबर बने और इक्वल सी आए। तो ये तीखी सिलाई मेरे पास है, इसके साथ हमने जहाँ से जोड़ा था वहाँ से इसको सिलाई को बीच में उसमें करके और सीधा कर लेंगे। तो जितनी भी मुझे लूप्स जितना भी बड़ा लगाना है ना उसी के हिसाब से मैं सारी ये डोरी को कट कर लूँगी। तो ये 2 इंच के करीब है, तो 2-2 इंच में सारा ये जो डोरी है लूप्स है इनको कट कर लूँगी। अब हम इस पर लगाएंगे। तो मैंने ना इस पर पहले ग्लेस पेपर, नीचे जो ग्लेस पेपर होता है ना चिपकाने वाला जो, वो मैंने इसके नीचे चिपका लिया है। अगर आप जब भी ऐसे डिज़ाइन बनाओ लूप्स लगाने हो तो आप नीचे इस पर ग्लेस पेपर जरूर लगा लेना। पेस्टिंग वाला जो पेपर होता है ना वो मैंने इसके नीचे चिपका लिया है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब हम इस पर लूप्स बराबर दूरी पर लगाते जाएँगे और ये जो पेस्टिंग वाला पेपर है ना इसके साथ फिर फिनिशिंग अच्छी आती है, कोई झोल वगैरह नहीं आता। ऐसे कपड़ा थोड़ा पतला होता है ना तो जब भी हम लूप्स लगाएंगे तो थोड़ा बहुत झोल आ जाएगा। अगर हमने पेस्टिंग पेपर इसके नीचे लगा लिया हो तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी और कपड़े की थिकनेस भी थोड़ी बढ़ जाएगी और फिनिशिंग के साथ हमारे जो ये लूप्स हैं फिनिशिंग के साथ लगेंगे। तो सारे लूप्स मैं इस पर लगा लेती हूँ और फोल्ड करने के लिए इसके जो मैंने कपड़ा नीचे इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा मैं लगाऊँगी। तो ऊपर वाली साइड से रख के ऐसे उल्टा देंगे, फिर सीधा इस पे रख के और अंदर वाली साइड को उल्टा लेंगे।
तो हमने ये वाली सिलाई बिल्कुल बराबर से लगानी है, जहाँ पे हमने पूरा हमारा जो नीचे हमने लूप्स लगाए हैं उनके ऊपर जो सिलाई पहले लगाई थी उसी के ऊपर ही हमने ये सिलाई को लेकर आना है पूरे बराबर से, और अंदर वाली साइड को फोल्ड करके एक ऊपर मैं एक टॉप स्टिचेस के लगा दूंगी, ऐसे ऊपर लगा दूंगी, फिर इसको फोल्ड करूंगी। तो एक सिलाई हमने ये ज़रूर लगानी होती है क्योंकि इसके साथ जो है फिनिशिंग अच्छी आती है और ये अंदर हमने जो लूप्स लगाए हैं वो अच्छे से बैठ जाएंगे। सिलाई ये आपने ज़रूर लगानी है इसके ऊपर, फिनिशिंग वाली सिलाई ये ज़रूर लगानी पड़ती है ताकि हमारी इसके साथ फिनिशिंग अच्छी आती है और जब हम फोल्ड करेंगे तो अंदर वाला कपड़ा हमारा बाहर को नज़र नहीं आएगा। तो अब इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ऐसे, ये देखो ऐसे इसको फ़ोल्ड कर लूँगी और अंदर वाली साइड मैं इसको कच्चा करके जितना मुझे चौड़ी पट्टी रखनी है उतनी चौड़ी रख लूँगी और बाहर को इसकी सिलाई नहीं लगाऊँगी, इस पर मैं हेमिंग करूँगी। तो जितनी चौड़ी मुझे पट्टी चाहिए उसी के हिसाब से मैं इसको पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये देखो ये इसको मैं कच्चा कर लूँगी, पट्टी को बराबर से पट्टी को फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे आप कच्चा टांका भी लगा सकते हो, बड़ा टांका करके लगा सकते हो। तो मैंने इस पर बड़ा टांका करके इस पर स्टिच कर लिया है। अब इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और इस पर हेमिंग कर लूँगी। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने बनाया है इसको। तो ये देखो ये बनके तैयार हो गया है और ये जो है पट्टी जो है ना इसमें मैं अंदर वाली साइड को तुरपाई कर लूँगी, तो सिलाई मैं नहीं लगाऊंगी क्योंकि सिलाई इसके ऊपर फिर नज़र आएगी, इसलिए मैं इसके ऊपर हेमिंग करूंगी। तो ये हमारा लूप्स वाला जो प्लाज़ो पैंट का डिज़ाइन था वो बनके तैयार हो गया। तो फ्रेंड्स आप बताना कि आपको कैसा लगा ये, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो। तो जितना मुझे इसका मोरी चाहिए उसी के हिसाब से मैं इसको स्टिच कर लूँगी। तो ये प्लाज़ो हमारा बनके तैयार हो गया, तो आप बताना आपको कैसा लगा ये। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।